आज प्रदेश में कोरोना की स्थिति इस प्रकार है। आज प्रदेश में 340 नए मामले आए हैं। इस प्रकार नए आने वाले मामले जो कभी 23 अप्रैल को 38,000 से अधिक थे, लगभग डेढ़ माह में घट के ये 340 प्रतिदिन रह गए हैं और टेस्ट की संख्या भी 257,135 रही है। मामले कम होने के बावजूद भी टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस प्रकार आज जो है ठीक होने वाले मामलों की संख्या 11,004 है। 11,004 व्यक्ति जो है वो ठीक होकर या तो अस्पतालों से घर गए हैं या घर में उनका जो है क्वारंटीन का समय पूरा हो गया है। इस प्रकार अब तक कुल 16,74,000 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कुल प्रदेश में 17,00,000 लोगों को कोरोना संक्रमित जो हुए थे। प्रदेश में 257,135 कल टेस्ट किए गए। इस प्रकार कुल मिला के 5,38,00,000 टेस्ट अब हो गए हैं। देश में 5 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश जो है एकमात्र राज्य है। कुल एक्टिव के 7,221 में से 4,382 जो हैं वो व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं। शेष जो हैं वो सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में पूरे प्रदेश में हैं। यहाँ ये बताना चाहेंगे कि जो मुख्य अगर हम आंकड़े देखें तो जहाँ नए केस केवल 340 हुए हैं वहीं पर अब कुल एक्टिव मामले 7,221 रह गए हैं। यहाँ ये बताना है कि देश में उत्तर प्रदेश का एक अपना एक अभिनव मॉडल है, एक अपना एक अनूठा मॉडल है जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में नेतृत्व में 3T जो एक्टिव जो एग्रेसिव ट्रेस टेस्ट और ट्रीट की जो नीति अपनाई गई और इसके साथ साथ जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू और एग्रेसिव वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण पे बहुत जोर दिया गया उसकी वजह से देश में इतनी तेजी से जो मामलों में गिरावट है वो किसी अन्य प्रदेश में नहीं आई है। ये इसी इन्हीं आंकड़ों से सिद्ध होता है कि जहां आज प्रदेश में कुल 7,231 मामले हैं वहीं उत्तर प्रदेश से आधी आबादी वाले 3/4 आबादी वाले बहुत ही कम आबादी वाले कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कि प्रतिदिन अभी भी इतने मामले आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जो ये अभिनव प्रयोग 3T और कोरोना कर्फ्यू और जो है तेजी से टीकाकरण करने का जो अभिनव प्रयोग किया गया है उसका ये असर है और ये यूपी मॉडल जो है अब इसका प्रभाव जो है अभी दिखने लगा है। ट्रेस करने के कार्रवाई में जो एक अग्रेसिव सर्विलेंस जो एक घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश करने का अभियान जो साल भर से चल रहा था और 5 मई से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से इसको 97,000 गांव में 80,000 से अधिक निगरानी समितियों के माध्यम से जो तेजी से चलाया गया उस पूरे अभियान में अब तक जो है हमारी जो प्रदेश सरकार की टीमें 17,20,74,000 से अधिक लोगों तक पहुंच के उनका हालचाल उन्होंने जाना है। उनमें से कहीं भी लक्षण युक्त अगर लोग मिले हैं तुरंत उनको मेडिकल किट दी गई है। अभी हाल में जो ये कोरोना की दूसरी लहर में जो अभियान चलाया गया उसमें 14,00,000 से अधिक लोगों को मेडिकल किट दी गई है और ये जहां पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां पर भी कोई भी जरा सा भी संक्रमित व्यक्ति मिला है उसका जो है एंटीजन टेस्ट कराया गया है और अगर संक्रमण के लक्षण होने पर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव भी आया है तो भी उसका RT-PCR टेस्ट कराया गया है ताकि समय से जल्दी लक्षणों की पहचान कर जो है वो मरीज को उन्हें क्वारंटीन किया जाए आइसोलेशन में किया जाए या इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया जाए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया जिसमें कि 5 करोड़ से अधिक टेस्ट हुए हैं 5,38,00,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं 17,20,00,000 तक जनसंख्या तक ट्रेसिंग का काम हुआ है और कोरोना कर्फ्यू जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था प्रदेश ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने अपना अभिनव प्रयोग किया कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया। देश में सब जगह पे जो है लॉकडाउन रहा औद्योगिक गतिविधियों को रोका नहीं गया और सभी उद्योग चलते रहे सभी चीनी मिलें चलती रही
किसानों से गेहूं क्रय का प्रोग्राम चलता रहा, गेहूं क्रय होता रहा, रिकॉर्ड गेहूं क्रय हुआ, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही, ट्रांसपोर्टेशन, शॉप, दुकानें, इनको नहीं बंद किया गया। तो ये जो पूरी व्यवस्था थी, ऑनलाइन व्यवस्थाएं सब चलती रही, ये जो पूरी व्यवस्था थी आंशिक कोरोना कर्फ्यू की, ये मुख्यतः इसका उद्देश्य जीवन और जीविका दोनों को बचाना था और दोनों में कामयाबी मिली। जहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति जो जिनकी जीविका प्रतिदिन जो है वो डेली वेज पे चलती थी, ठेला, रेड़ी लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले, उनको प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जो है उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस या जो रहते हैं उनको भत्ता 1000 रुपये महीना वो भी दिया गया। और इसके साथ साथ अब प्रधानमंत्री जो है वो गरीब अन्न कल्याण योजना में उनको मुफ्त राशन भी जो है वो नवंबर तक दिए जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। तो इस प्रकार जहां एक ओर ट्रेस करके, टेस्ट करके और इलाज हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे जो हमारे जनसंख्या के गरीब तबके हैं या गरीब जो 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 दैनिक मजदूरी वाले हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह जो है वो दिया जा रहा है। और जो हमारे दैनिक मजदूरी करने वाले हैं, जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मजदूर हैं, उनको 1000 रुपये अभी कुछ दिन पहले हस्तांतरित किया गया था। और साथ में सभी को राशन जो है नवंबर तक का दिया जा रहा है। इस प्रकार सब सरकार जो है हर तरह से जो अपने जनसंख्या है उसका देखभाल कर रही है और इसी का परिणाम है कि सबके सहयोग से आज उत्तर प्रदेश में कोरोना की द्वितीय लहर जो है वो काफ़ी जो है नियंत्रण में है। जो एक आवश्यक अंग है टीकाकरण का, मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 2,34,00,000 डोजेस जो है वो टीकाकरण की दी जा चुकी हैं। इनमें 18 से 44 साल वाले जो हमारे युवक हैं उनको 50,00,000 से अधिक डोजेज दे दी गई हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया है, आज भी लगभग 4,51,000 लोगों को ये कल जो है टीका लगाया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि अभी इस माह में ही इसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाकर 6 से 9,00,000 किया जाए और अगले माह से तो 10,00,000 प्रतिदिन जो है वो टीका लगाया जाए। और ये लक्ष्य उन्होंने दिया है कि अगले 2 महीने में, जुलाई और अगस्त में दोनों को मिलाकर, और जो अभी हो गया है लगभग इस महीने के अंत तक 3 करोड़ टीका लग जाएगा, तो अगले 2 महीने में 7 करोड़ और टीका लगाकर अगस्त 31 तक 10 करोड़ डोजेज जो है उत्तर प्रदेश में जो लग जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थापना व्यवस्थाएं सभी करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है और ये व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। और ये इसके साथ साथ जो एक्सटेंडेड लक्ष्य है वो रखा गया है कि दिसंबर तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि सबको जो है वो टीका लग जाए, पूरी जनसंख्या को टीका लगा दिया जाए। ये हमारा दिसंबर तक का लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन की समस्या कुछ आई थी इस बार, उस ऑक्सीजन की समस्या को हमेशा के लिए जो है उसका इलाज हो जाए, इसके लिए 427 जो है वो ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग अस्पतालों के लिए लगाए जा रहे हैं। उनमें से 83 जो है प्लांट काम करना शुरू कर दिए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इन 427 पे ही जो है वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए। ये भविष्य के लिए भी हमारे जो ऑक्सीजन की समस्या है प्रदेश में अस्पतालों में उसको दूर करेगा। हालांकि सामान्यतः समुचित ऑक्सीजन हमारे यहाँ अस्पतालों में उपलब्ध रहती है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर जिसके बारे में विशेषज्ञों ने कहना शुरू किया है कि वो बच्चों को प्रभावित कर सकती है, तो ऐसे में उस तीसरी लहर से भी जो है बच्चों को बचाने के लिए समुचित इलाज के लिए ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था कराई जा रही है। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 से 125 बेड के, 150 बेड के पीकू जो है पेडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण कराया जा रहा है और नियोनेटल आईसीयू का निर्माण कराया जा रहा है। और ये सारी प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि 20 जून तक हो जाए। 20 जून के बाद महीने के आखिर में मुख्यमंत्री जी इसका निरीक्षण भी करेंगे और ये भी कि हर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उसमें 20 से 25 जो है इस प्रकार के बेड का पीकू और नियोनेटल आईसीयू जो है उसका निर्माण भी समय से कर लिया जाए, ताकि जो संभावित तीसरी लहर है
अब तीसरी लहर से बचने के लिए भी दो जो है वो एक अभिनव प्रयोग किए गए हैं। एक तो बिल्कुल जो अपनी तरह का अनूठा प्रयोग है वो ये कि 12 साल से कम आयु के बच्चों के माता पिता को जो है प्रायोरिटी पे उन्हें प्राथमिकता देकर उनको टीका लगाया जा रहा है, ताकि कल को यदि उनके छोटे बच्चों को किसी प्रकार का प्रभाव होता है तो ये लोग माता पिता उनकी देखभाल कर सकें। इसके साथ साथ माँ अगस्त से जो है वो बच्चों के लिए भी एक सर्विलेंस अभियान, बच्चों के लिए भी एक जो निगरानी समितियों के माध्यम से बच्चों को के लिए भी एक सघन अभियान शुरू कराया जाएगा कि घर घर जाकर बच्चों को जो है लक्षण के बारे में, बच्चों के बारे में पता किया जाए, उन्हें समय से ट्रेस करा कर, ट्रीट करा कर, टेस्ट करा कर उनका जो है ट्रीटमेंट आरम्भ किया जाए। ये भी अपनी तरह का एक अपना जो है वो अनुभव प्रयोग है। और ये जो टीकाकरण में और जो तीसरी लहर में जो बच्चों का के बारे में मैंने बताया, तो इसको जो प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से जिस प्रकार से बहुत बच्चों की जान बचाई गई है विशेष व्यवस्थाएं करके, उन्हीं व्यवस्थाओं के माध्यम से जो है ये तीसरी संभावित तीसरी लहर से भी जो है लड़ा जाएगा। मैं यहाँ फिर बताना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में लगातार जो है वो सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। यहाँ ये भी बताना है कि चूंकि प्रदेश में जो है अब संक्रमण कम हो रहा है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 9 की बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक तो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 21 जून से, सोमवार से, अगले सोमवार से प्रातः 7 बजे से सायंकाल 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। रात्रि काल कर्फ्यू लगा रहेगा और साप्ताहिक बंदी भी चलेगी। दिन में 2 घंटे का और समय बढ़ाया गया। इसके साथ साथ सभी जो है रेस्टोरेंट वो खोलने के भी जो है अगले सोमवार से निर्देश दिए गए हैं और ये रेस्टोरेंट आधी 50% कैपेसिटी पे चलेगा, एक के बाद दूसरी कुर्सी खाली छोड़नी होगी। मॉल को भी खोलने का निर्देश दिया गया, लेकिन ये भी साथ में ये गाइडलाइन जो है वो जारी होगी जो कि 21 जून से लागू होंगी कि ये सभी लोग जो जहाँ पर भी व्यवस्थाएं खुलें वहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाए, ताकि स्क्रीनिंग प्रॉपरली हो कि जो कोई भी अगर मॉल या रेस्टोरेंट में आ रहा है तो उनकी समुचित स्क्रीनिंग कराई जाए। या ये भी बताना है कि हमारे इतने सारे 427 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं और लगभग 30,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है अस्पतालों में उपलब्ध रहेंगे। आईआईटी के जो हमारे तकनीशियन हैं उनकी भी समुचित उपलब्धता का निर्देश दिया गया है, ताकि कहीं पर जो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों हैं उनमें ये मशीनें खराब हों तो समय से जो है उनको ठीक कराया जा सके और रोजगार के भी अवसर जो है वो उपलब्ध हों। कोरोना संक्रमण काल में भी उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति संकल्प है। किसानों से गेहूं खरीद का निरंतर कार्यक्रम तेजी से चलाया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में लगभग 12,16,000 किसानों से 53,80,000 मीट्रिक टन गेहूँ, लगभग 538 लाख क्विंटल गेहूं जो है वो खरीदा जा चुका है और ये खरीदने की प्रक्रिया अभी आज जो समाप्त हो रही थी उसे 1 सप्ताह बढ़ा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ये गेहूं क्रय केंद्रों की लगातार निरीक्षण होता रहे, किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समय से उनका गेहूँ जो है खरीदा जाए। इसके साथ साथ आने वाले खरीफ के लिए भी खाद बीज की समुचित उपलब्धता कराने की भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई ना। धन्यवाद।